दिग्रस दारवा नेर विधानसभा चुनाव 2024 के तहत कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष मानिक राव ठाकरे मंगलवार को महाविकास आघाड़ी की ओर से अपना नामांकन दर्ज करने जा रहे हैं। वही उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के तालुका पदाधिकारियों में तीव्र नाराजगी देखी जा रही है। उनके मुताबिक उन्हें विश्वास में नहीं लिया जा रहा है और न ही वो सम्मान दिया जा रहा है जिसके वे हकदार है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं जुबेर खान की इस खास रिपोर्ट में। विधानसभा चुनाव को लेकर जहाँ राज्य भर में गहमा गहमी का दौर जारी है, वही इसी कड़ी में माल जिले के दिग्रस तहसील के उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के तालुका पदाधिकारियों में भी कड़ी नाराजगी देखी जा रही है। नाराजगी की वजह पहले तो यह है कि उबाटा के उम्मीदवार का टिकट काटकर कांग्रेस पार्टी के नेता मानिकराव ठाकरे को बतौर उम्मीदवार सामने किया गया है। हालांकि फिर भी महाविकास आघाड़ी के निर्णय पर जैसे तैसे सहमति दर्ज करते हुए ग्रामीण इलाकों के पदाधिकारियों ने इसका स्वागत किया है, लेकिन चुनाव की तैयारियों में उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा, ना ही कोई कॉल किया जा रहा है। इस आशय की नाराजगी यहां आयोजित चर्चा में नजर आई। डावलले म्हणजे आपल्याला काही डावलले नाही आहे असं, परंतु सर्व शिवसैनिकाची एक इच्छा होती की हा दिग्रस मतदारसंघ शिवसेनेचा आहे आणि शिवसेनेकरता सोडावलं पाहिजे होतं। तिथे ज्या पद्धतीनं स्थानिक नेते म्हणा म्हणजे आम्ही कुठेतरी कमी पडलो असेल, परंतु ही सीट जायला पाहिजे नव्हती। सर्व शिवसैनिकाची इच्छा होती की हा मतदारसंघ शिवसेनेकरता हवा होता। देखा जाए तो किसी भी चुनाव में शहर से ज्यादा मेहनत ग्रामीण इलाकों के पदाधिकारियों को लेनी पड़ती है। ग्रामीण इलाकों के पदाधिकारियों की अपने अपने क्षेत्र में काफी गहरी पकड़ है, बावजूद इसके उबाटा के तालुका स्तर के पदाधिकारियों को विश्वास में नहीं लिए जाने के रवैये से नाराजगी का सुर उमट रहा है। जबकि शहर के उबाटा के चुनिंदा पदाधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए उन्हें उचित सम्मान दिया जा रहा है, इस तफावत को लेकर भी ग्रामीण इलाकों के पदाधिकारियों में नाराजी नजर आ रही है। ये तो है, आता उद्या 29 तारखेला महायुती महाविकास आघाडीचे उमेदवार माणिकरावजी ठाकरे साहेब यांचा नामांकन अर्ज दाखल होत आहे, परंतु तालुक्याच्या पदाधिकाऱ्यांना डावलून त्याचं नियोजन चालू आहे आणि सर्व पदाधिकारी हा महाविकास आघाडीचा काम एक दिलाने करेल, परंतु केव्हा करेल, सर्व पदाधिकाऱ्यांचा योग्य मान सन्मान झाला तरच सर्व शिवसैनिक महाविकास आघाडी म्हणून काँग्रेस पक्षाचं काम करेल। आता समजा फोन आला तुम्हाला, जे वरिष्ठ लोक आहे समजा जी नेते मंडळीवरचे, तर तुम्ही त्यांना जी ती हाक देणार आहे त्याला तुम्ही साथ देणार का, किंवा तुमची नाराजी त्यांच्या पुढे व्यक्त करणार का? नाराजी आमची नाराजी म्हणून नाहीच आहे, परंतु जे काही चालू आहे ते योग्य नाही आहे। पदाधिकाऱ्याशी चर्चा करूनच कोणतेही निर्णय घ्यायले पाहिजे आणि आम्ही महाविकास आघाडी म्हणून काँग्रेस पक्षाचा प्रचार करू, त्यातली काहीच अडचण नाही, परंतु पदाधिकाऱ्यांना योग्य मान सन्मान मिळाला पाहिजे, ये अपेक्षा है त्यांच्याकडून। ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि दिग्रस तहसील में कांग्रेस की तुलना में उबाटा के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की न सिर्फ तादाद ज्यादा है बल्कि उनकी सक्रियता भी कई गुना अधिक है। बावजूद इसके विधानसभा चुनाव की तैयारी में शामिल न करना, विश्वास में न लेना महाविकास आघाड़ी के लिए कहीं घाटे का सौदा साबित न हो जाए, ऐसा सुर भी उमट रहा है। इस दौरान आयोजित चर्चा में उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के तालुका अध्यक्ष यादव पवार, उप तालुका प्रमुख रवि भाऊ काळे, उप तालुका प्रमुख राजेश भाऊ राठोड़, विभाग प्रमुख अनूप राठोड़, विभाग प्रमुख अशोक पवार, अमर इंगड़े सरपंच, विभाग प्रमुख प्रभु सिंह जाधव, लुकमान खान सहित बड़ी संख्या में अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। इनबीसीएन न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।